Hello friends, welcome back to the next lecture in the geography series. I hope आपने पहले lecture देखे होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे. तो if you have any feedback, please feel free to write to us. हम उसका surely आपको जवाब देंगे और कोई भी आपको help चाहिए होगी उस पर आपकी help करेंगे. तो आज हम start करेंगे कुछ ऐसे topic से जो पहले रह गए थे और जो exam point of view से इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. ये भी हो सकता है कि ये कमिंग एग्ज़ाम्स में या आगे वाले आने वाले भी दो तीन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल भी ना आए. ये हो सकता है, तो इफ़ यू वांट तो आप इसको पढ़िएगा, इफ़ यू डोंट वांट तो आप इनको लेक्चर्स को स्किप भी कर सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि क्योंकि ये जी सी लियोंग के टॉपिक्स कवर होते हैं, जो आखिरी के चैप्टर्स हैं, 10-12 चैप्टर्स हैं जी सी लियोंग में, तो इनको एक बार लेक्चर्स को देख करके जी सी लियोंग पढ़ लीजिएगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो इसमें एक चीज़ और भी है कि हम जैसे वो 10 लेक्चर हैं आपने देखे होंगे जी सी लियोंग में या 12 लेक्चर हैं, हम उनको एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे कि पहले से शुरू होकर और आखिरी तक पढ़ते चले जाएंगे. हम उनको जम्बल्ड ऑर्डर्स में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ताकि कुछ चीज़ें जो है अलग अलग ब्लॉक्स में हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ. नहीं तो कंटिन्यूटी में अगर हम पढ़ते हैं तो इट काइंड ऑफ बिकम्स बोरिंग और हमारा फिर उसमें से जो है ध्यान बढ़ जाता है. और कभी भी ये कोशिश मत कीजिएगा कि आप उन 10 चैप्टर्स को एक साथ पढ़ने बैठ जाएंगे, क्योंकि एक तो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो 60-70 पेजेस बन जाएंगे और वो जी सी लियोंग के 60-70 पेजेस, इट इज़ काइंड ऑफ सम कंटेंट जो आपको समझना पड़ेगा. तो कोशिश कीजिएगा कि 2 या 3 चैप्टर आप एक दिन पढ़ें और वो भी जम्बल ऑर्डर में पढ़ें, 2-3 चैप्टर अगले दिन पढ़ें, फिर 1-2 दिन उनको रिवाइज करें और फिर ऐसे 3-4 दिन या 1 वीक में उन 6-10 चैप्टर को या 12 चैप्टर जो भी हैं आप उनको ख़त्म करें. तो इस तरीके से ये जो चीज़ है ये आपको रिटेन हो जाएंगी, बट ये इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा इसमें मिलेगा. तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के जो कुछ चैप्टर्स हैं. दीज आर आर पेड कोर्सेज, आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले एक चीज़ जो हम देखेंगे इसमें, वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइप्स ये कौन से होते हैं. अब टोटल जो हमारे पास है वो 11 क्लाइमेटिक टाइप्स हैं. आपका इक्वेटोरियल जोन जो होता है आपका 0 to 10 degree नॉर्थ एंड साउथ, ये वाला जो आपका है 0 to 10 नॉर्थ एंड साउथ. और फिर उसके बाद 10 to 30 में 3 जोन है, 30 to 45 में, 45 to 65 में, 65 to 90 में आपके एक जोन आता है एंड में. तो 11 जोन हमारे पास ऐसे ऐसे टोटल बनते हैं. अब ये कैसे है, मतलब इसमें आप एक इमेजिन कीजिए कि इफ़ दिस इज योर इक्वेटर, लेट्स मेक इट अ बिट स्ट्रेट. इफ दिस इज योर इक्वेटर, कोई एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इक्वेटर से स्टार्ट होके और ऑलमोस्ट पोल तक जाता है और उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कॉन्टिनेंट पे आपके ये सारे जोन्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे. ये अगर आप 90 डिग्री, सॉरी इसको मान लें, अगर आप दिस इज योर, तो ये आपको इस तरह से कुछ डिवीजन जो है देखने को मिलेगी इसमें क्लाइमेटिक जोन्स की. ये आपका 0 to 10 degree सेल्सियस हो जाएगा, ये 30 डिग्री, ये 45, देन दिस विल बी योर 65 एंड दिस विल बी 90 डिग्रीज. तो ऐसे एक कोई इमेजनरी कॉन्टिनेंट है, या आप जैसे एशिया प्लस यूरोप को मान करके देख सकते हैं, या नॉर्थ अमेरिका को सेंट्रल अमेरिका के साथ कंबाइन करके देख सकते हैं, कि समवेयर श्रीलंका से थोड़ा सा नीचे आपका इक्वेटोरियल रीजन है और उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर तक मूव करते हैं टिल योर आर्कटिक, या आप साइबेरिया का जो आपका रीजन है, साइबेरिया से भी नॉर्थ में इनफैक्ट थोड़ा सा, तो वो आपके अलग अलग क्लाइमेट आपको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट. अफ्रीका को आप ले सकते हैं इस तरह से. तो इमेजिनरी कॉन्टिनेंट जिसका एक्सटेंट इतना ज़्यादा है कि वो इक्वेटर से स्टार्ट होकर के पोल्स तक जा रहा है और लैटिट्यूडनली भी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. उसका लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है ये वाला, ये भी काफ़ी बड़ा है कि इसमें कहीं पर वेस्टर्लीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहीं पर आपका ट्रेड विंड्स का इफेक्ट पड़ रहा है. तो अलग अलग जगह पर अलग अलग जो क्लाइमेटिक फीचर्स हैं वो अपना इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं. तो आज हम पढ़ेंगे इसमें दो तरह के जो मेन हम क्लाइमेट पढ़ेंगे. आज पहला पढ़ेंगे हम हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट,
and then second is your monsoonal type of climate. So let's see with the start with the first one. Hot and wet equatorial climate. This picture is there in GC Leong also. So पहली ये इमेज ये वो दिखा रही है कि किस किस रीजन में आपका ये वाला क्लाइमेट जो है मिलता है. तो इन द एंड जब हम सारे इन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो एक कोशिश कीजिएगा कि एक वर्ड मैप लें. उस वर्ड मैप के अंदर ये अलग अलग कलर के पेंस के साथ या अलग अलग कोई भी पैटर्न बना के कि एक रीजन आपका ये इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एक रीजन को डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक को सर्कल्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक एक रीजन को वर्ड मैप पे मार्क करने की कोशिश कीजिएगा बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना समझ पाए हैं. अगर आपको कोई डाउट नहीं है, इफ़ यू आर एबल टू अचीव 80% ऑफ योर टारगेट, तो भी इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी हो गई है. ये ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको ये सब डिटेल में पढ़ना है वैसे भी. तो हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट ये मैप में दिखा रहा है कि जैसे कि इक्वेटर के आसपास ये मिलता है हमें 0 to 5 or 7 degrees या 10 degrees नॉर्थ और साउथ तक मिलता है. और इसमें अफ्रीका का ये वाला पार्ट, ये ब्राज़ील के आपके अमेज़न रेन फॉरेस्ट सारे के सारे, और थोड़ा सा फिर आपका ये जो है बोलीविया और जो आपका सेंट्रल अमेरिका के पास का रीजन है वो सारा रीजन है. देन आपका जो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सारे जो आइलैंड नेशंस हैं इन पे, क्योंकि इक्वेटर पे लाई करते हैं. अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बारिश होती है. देर इज़ नो मंथ विच इज़ ड्राई, इवन देर इनफैक्ट देर इज़ हार्डली एनी डे जहाँ बारिश नहीं होती. उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बहुत एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है, बहुत एनर्वेटिंग ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, गर्मी फील होती है बहुत ज़्यादा. और हायर टेम्परेचर, अगर हाईएस्ट टेम्परेचर से आपका जस्ट टू टेक एन एग्जांपल 30 डिग्री है तो लोएस्ट टेम्परेचर आपका 29 डिग्री सेल्सियस होगा, 28 डिग्री सेल्सियस होगा. तो जो आपकी रेंज है टेम्परेचर की, जो आपकी टेम्परेचर रेंज है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी लो. एनुअल रेंज भी एंड डायर्नल भी, कि एक दिन के अंदर आप देख लें किसी भी दिन को उठा के या आप पूरे साल का देख लें, तो जो आपको एवरेज मिलेगी, जो रेंज मिलेगी टेम्परेचर्स की, वो बहुत कम मिलेगी, हार्डली 1 or 2 degrees सेल्सियस का डिफरेंस मिलता है. देन आपका जो वेजिटेशन होती है यहाँ पे, आपके बहुत थिक इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है. इवन एक जिसी लोगों में एग्जांपल दिया हुआ है कि कुछ स्क्वायर मीटर के एरिया में ही आपको इतने अलग अलग तरह के प्लांट्स या देखने को मिल सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक टाइप का ये इकोसिस्टम होता है यहाँ पे, इस रीजन में बहुत स्पेसिफिक इकोसिस्टम होता है फॉरेस्ट का. एक खास बात ये, जैसे आप जानते हैं कि जो आपके अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं इनको बोला जाता है लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि इतना बड़ा चंक है ये फॉरेस्ट का, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इस अकेले एक पार्ट से प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए उसको लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है. अब एक किस इसमें समझेंगे कि यहाँ पे दिन में क्या होता है कि पूरे दिन में हीटिंग होती है ड्यू टू सन, क्योंकि सन ऑलमोस्ट 24/7 और 365 days ओवरहेड ही रहता है, मतलब या फिर ऑलमोस्ट ओवरहेड रहता है इक्वेटर पे. जो आपकी अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन है वो बहुत कम रहती है यहाँ पे, जैसे आपने पहले पढ़ा है. तो दिन के टाइम पे कन्वेक्शनल हीटिंग होती है क्योंकि, और ये आसपास का सारा ये जो सी एरिया है सारा, ये वाला जो एरिया है ये सारा सी एरिया है, तो बहुत सारा मॉइस्चर जो है ऊपर जाता है, कन्वेक्टिव एक्टिविटी होती है, वो फिर ऊपर जाके ठंडा होता है. और 4 के आसपास शाम को 4 o'clock यहाँ पे बारिश ज़रूर होती है. इसको 4 o'clock रेनफॉल बोलते हैं जो शाम को 4 होती है. तो अभी मैंने कहा था कि कोई कोई दिन ही ऐसा होता है जहाँ यहाँ बारिश नहीं होती है. अब इसमें एक चीज़ और क्या फैक्टर होता है, क्योंकि अब साइक्लिक प्रोसेस है कि आप देखेंगे जैसे कि रेन होती है तो फॉरेस्ट आते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट के कारण ट्रांसपीरेशन होती है. ट्रांसपीरेशन प्लांट्स के अंदर से जो पानी हमारा इवेपोरेट होता है, ट्रांसपीरेशन होती है, सी के पास से इवेपोरेशन होती है, और हीट के कारण से ये दोबारा ऊपर जाके रेन होती है. तो एक साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है. तो फॉरेस्ट होते हैं तो
बहुत सारा पानी फॉरेस्ट से भी ट्रांसपिरेशन होती है और ऊपर जाता है। तो अभी ब्राज़ील में क्या हुआ कि ऑब्वियसली एवरी कंट्री इज लुकिंग फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो कुछ साल पहले ब्राज़ील ने अमेजोन रेन फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया काफ़ी पार्ट को फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन। काफ़ी पार्ट को क्लियर किया तो क्या हुआ कि ये जो साइकिल है ये वाली, दिस साइकिल गॉट डिसरप्टेड। ये फॉरेस्ट वाला पार्ट था, ये कहीं ना कहीं अगर से पहले 100 था तो ये 70 रह गया या 80 रह गया, इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट की क्लियरिंग इन्होंने कर दी। तो उससे क्या हुआ कि जो ट्रांसपिरेशन जो होती थी वो कम होने लग गई, और जो फोर ओ क्लॉक वाली रेनफॉल से की साइकिल थी वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो गई। और एक टाइम पे ये नौबत आ गई कि इक्वेटोरियल रीजन में, इस रीजन में ब्राज़ील को जहाँ हर रोज़ बारिश होती थी वहाँ पे ड्रॉट पैकेज अनाउंस करना पड़ा। देर वॉज अ ड्रॉट, पूरी जो साइकिल थी, इकोलॉजिकल साइकिल थी, उसको ही डिसरप्ट कर दिया ह्यूमन एक्टिविटी ने। तो अब दे रियलाइज देयर मिस्टेक कि उन्होंने जो छेड़ दिया है यहाँ पे एक कह सकते हैं कि इशू जो एक रेज कर दिया, वो उसको दे कैन नॉट जस्ट री अनडू इट, उसको वो ठीक नहीं कर सकते जल्दी, क्योंकि इतना स्पेशल इकोसिस्टम है ये। जैसे मैंने बताया था कि जैसे ये साइकिल जो है ये चलती है, इतनी स्पेसिफिक इकोसिस्टम है इस साइकिल का कि ये एकदम से दोबारा ठीक नहीं हो सकता। पहले उसको जंगल बनने में इतना हजारों साल लगे थे और फिर ये साइकिल हर रोज़ बनने लग गई थी, हर रोज़ बारिश होती रहती थी, क्योंकि अभी साइकिल डिसरप्ट हो गई है। ये इतना लग्जूरियट जो एक वेजिटेशन चाहिए, इतने ट्रीज चाहिए लार्ज क्वान्टिटी में, तो वो अब साइकिल जो है उसको पूरा से कम्प्लीट होने में दोबारा हज़ारों साल लगेंगे। तो अब एक साइकिल जो डिसरप्ट हो गई है बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट इतना तो है कि दे हैव रियलाइज देयर मिस्टेक, और अब एक एटलीस्ट वहाँ पे उन्होंने दोबारा से डेवलपमेंट जो एक्टिविटी है वो रोक दी है वहाँ पर। तो ये कुछ एक एग्जांपल था आपको ये समझाने के लिए, बाकी सब आगे थियरी है, वो मैंने स्लाइड्स में भी थोड़ी सी दी हुई है, कुछ पार्ट जो है बुक में है एंड का है, उसमें ह्यूमन लाइफ कैसी होती है, कल्टीवेशन कौन सी होती है क्रॉप्स की, वो सब आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। बेसिक आइडिया आपको जो है मैंने बता दिया कि इसमें टेम्परेचर कैसा रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है एवरेज, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, देर इज़ हार्डली एनी डे विदाउट रेन, और मंथ तो कोई होता ही नहीं जिसमें कोई बारिश ना हो। तो देर इज़ अ स्लाइट मैक्सिमा, बारिश ज़्यादा कब होती है जब थोड़ा सा इक्विनॉक्सिस होते हैं। आपने पढ़ा था कि सन की, ये आपका सन है, सन की चार मूवमेंट होती हैं, दीज आर योर सोल्स्टिस एंड दीज आर योर इक्विनॉक्स। तो जब इक्विनॉक्स के पास आता है आपका, इक्विनॉक्स होते हैं आपके मार्च में और आपका अक्टूबर में या सेप्टेम्बर में, तो यहाँ पर बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और जो आपका जो सोल्स्टिस होते हैं विच इज़ इन जून एंड दिसंबर, यहाँ पे बारिश थोड़ी सी कम हो जाती है कंपैरेटिवली। तो क्योंकि सन जो है अपनी एक्सट्रीम पे पहुँच जाता है, कन्वेक्शन एक्टिविटी जो है कम हो जाती है, दिस इज़ द सिंपल रीज़न। जून में आपका सन पूरा, आपका सन ऑलमोस्ट आपका इक्वेटर से यहाँ से हट करके इट मूव्स अप, ये करीब यहाँ तक पहुँच जाता है, और जब दिसंबर आता है तो आपका सन यहाँ पहुँच जाता है, तो ओवरहेड एक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाती है, तो इसलिए जो बारिश है यहाँ पे कम हो जाती है। तो ये सब जो है बुक में भी दिया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो लेट्स सी जस्ट कि इज फाउंड बिटवीन 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर नियर दी अमेजोन रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो, मलेशिया एंड दी ईस्ट इंडीज, ये सारा मैप में रिफ्लेक्ट किया गया है। फर्दर अवे फ्रॉम इक्वेटर ऑन शोर ट्रेड विंड्स गिव राइज टू मॉडिफाइड टाइप ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट विद मॉनसून लाइक इन्फ्लुएंस। हाँ, इसमें एक चीज़ और छोटी सी और भी है कि ये वाला जो पार्ट है, अब यहाँ तो आपकी जो है नॉर्मल इक्वेटोरियल बारिश होती है, कुछ जो आपके और पार्ट्स हैं, ये वाले पार्ट्स हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेड विंड्स के कारण कुछ जो ऑनशोर ट्रेड विंड्स होती है इनके कारण भी थोड़ी सी बारिश होती है। तो इसको मॉनसून काइंड ऑफ इफेक्ट थोड़ा सा होता है, बट ये इक्वेटोरियल आपकी रेनफॉल ही होती है, तो कोई इसमें सेपरेट, इसको एज सेपरेट क्लाइमेट हम नहीं स्टडी करते। मॉनसून इन्फ्लुएंस लाइक मलेशिया, नॉर्थ एंडीज एक्सेट्रा, एंडीज इज इन योर साउथ अमेरिका। टेम्परेचर, इट हैज़ कम्प्लीट यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहता है अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, देर इज नो विंटर एंड नो वेरिएशन इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर रेंज भी बहुत कम रहती है। प्रेसिपिटेशन, डेली प्रेसिपिटेशन होती है तो थोड़ा सा जो गर्मी एक फील होती है उसको थोड़ा सा हेल्प मिलती है, और थोड़ा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज भी, क्योंकि ये समंदर के पास हैं एरियाज काफ़ी, तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज भी ब्लो करती है दिनों रात में, तो उससे थोड़ा सा जो है जो क्लाइमेट है इट बिकम्स ह्यूमन फ्रेंडली।
Precipitation is very high in range of 150 to 200 centimeter and well distributed throughout the year. There is no month without rain and no distinct dry season. जैसा पहले मैंने बताया, two periods of maximum rainfall. Okay, two periods of maximum rainfall है, which occur shortly after the equinoxes. जो equinoxes क्योंकि sun की जो overhead activity है, it is at the equator at that time. तो ज़्यादा convective activity होती है. This is unique feature of equatorial climate. Least rainfall happens after June and December solstices. तो ये मैंने सर आपको बता दिया. Further away from the equator, some region fall under the influence of monsoon winds. See maximum rainfall in summer months. जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ activities नहीं areas में, जैसे आपके Malaysia वाला area है और ये Southeast Asia का जो ये Indonesia और आपका Laos, Thailand ये वाले areas जो हैं, यहाँ पे थोड़ा सा monsoon type of influence दिखता है कि समर मंथ में थोड़ा सा ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि हीट ज़्यादा हो जाता है, लैंड मास है, हीट ज़्यादा हो जाती है तो बारिश समर में थोड़ा सा ज़्यादा होती है, विच इज़ इन योर मई जून मंथ. एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉन्स्टेंटली है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो ऑलमोस्ट 80% 90% रहती है इस एरिया में. तो आपने भी फील किया होगा जब इंडिया में जब बारिश का मौसम होता है समवेयर इन जुलाई अगस्त, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है. जून में तो फिर भी आपको गर्मी है बट ह्यूमिडिटी कम होने के कारण आप कूलर चला के या फैन में भी आपको कंफर्टेबल थोड़ा सा फील होता है. जुलाई में टेम्परेचर कम हो जाता है बट ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप बिना एसी के आजकल आप एक नहीं सकते, पसीना इतना ज़्यादा स्वेटिंग होती है ऐसे मौसम में. तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन इक्वेटोरियल रीजन. वेजिटेशन जैसे मैंने आपको बताया कि हाई टेम्परेचर और रेनफॉल के कारण ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे. उसके बाद अमेजोन लोलैंड हैज़ सच वेजिटेशनल एक्स्ट्रावेगेंट, जो अमेजोन को इनको सेलवास भी कहते हैं, जो मैंने आपको अमेजोन रेनफॉरेस्ट के बारे में बताया था, दिस आर कॉल्ड सेलवास. और मलेशिया में क्या होता है कि क्योंकि इसमें बहुत मलेशिया में लोकल कम्युनिटीज़ बहुत है और इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन हो रहा है टिम्बर के लिए और वुड के लिए, तो फॉरेस्ट को कुछ एरिया को काट दिया जाता है. तो जो दूसरी सेकेंडरी वेराइटी आती है पहली वेराइटी कटने के बाद, उसको वहाँ पे एक लोकल नाम दिया गया है विच इज़ कॉल्ड दी बेलुकार. ऐसे नाम आपको जिस इलाके में बहुत सारे मिलेंगे. ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 1% यू कैन से कि पढ़ना है, वैसे मेजरली आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ही याद रखना है. तो बेलुकार भी इसको कहते हैं मलेशिया के अंदर. तो वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे और मेजर जो आपकी जो वेराइटीज़ हैं जो अपने हमने इंडियन वेजिटेशन में भी पढ़ा था, महगनी, एबनी, ये सब वेराइटीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे या ट्रॉपिकल ड्राई ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट थे, वहाँ पे ये सब वैराइटीज़ आपको देखने को मिलती है जहाँ बारिश अराउंड 200 सेंटीमीटर होती है. यहाँ पे भी बारिश 150 to 200 सेंटीमीटर ही होती है. द प्लांट्स आर लेयर्ड विद सम ट्रीज क्लाइंबिंग अप टू हाइट ऑफ 60 मीटर. ये हमने अपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पढ़ा था इंडिया के केस में, वेस्टर्न घाट्स में, कि प्लांट्स जो हैं दे आर वेल स्ट्रेटिफाइड. एक प्लांट आप एक ट्री आपका छोटा सा ट्री होगा, फिर एक थोड़ा सा उससे बड़ा होगा और एक ट्री सबसे बड़ा होगा. ये सिर्फ सनलाइट की फाइट के लिए होता है, फोटोसिंथेसिस करनी है, खाना सबने बनाना है, तो हाइट ट्रीज़ की बढ़ती रहती है. तो कुछ ट्री 60-70 मीटर्स की हाइट तक पहुंच जाते हैं और कुछ फिर एपीफाइटिक आपने पढ़ा होगा, एपीफाइट्स कुछ बेल जो होती हैं इनके ऊपर चढ़ जाती हैं. अमलतास की बेल आप लोगों ने देखिए, येलो कलर की होती है, वो बहुत जगह होती है, वो पूरे पेड़ को ही कवर कर लेती है, वो क्लाइम करती रहती है, उसके ऊपर उसकी पेड़ की हाइट बढ़ती है, वो और हाइट पे पहुंच जाती है. तो बहुत सारी लग्जूरियंट वेजिटेशन जो है इसमें आपको देखने को मिलती है. तो फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में सिर्फ इतना ही पढ़ना है. जिस ही लोग में एक बार पूरा चैप्टर पढ़िएगा, उसमें और भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि ह्यूमन लाइफ कैसी है वहाँ पे, किस कि, कोई लोकल और फैक्टर्स जो थोड़े बहुत होते हैं वो सब उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए, तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजिली जो है आपकी डेवलप हो जाएगी. सो दिस इज़ अबाउट द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट. देन वी कम टू द ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट. अभी दो तरह का इसमें क्लाइमेट है बट ऑलमोस्ट सेम रीजन में देखने को मिलता है. ये थोड़ा सा पिक्चर में क्लियर नहीं है. ट्रॉपिकल मॉनसून जो क्लाइमेट है आपका, दिस इज योर ट्रॉपिकल मॉनसून, इसका जो फिगर है थोड़ा सा डॉटेड है, जिस ही लोग आप देखेंगे अगर थोड़ा सा वो क्लियर हो जाएगा. ये आपको देखने को मिलता है इस वाले रीजन में, जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया का जो है यहाँ पे और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये इस रीजन में आपका ये ट्रॉपिकल मॉनसून है. बाकी सब जो रीजन है आपका केन्स, ये ऑस्ट्रेलिया में है केन्स, ये सारा जो आपका मेडागास्कर का है और ईस्ट अफ्रीका है, एंड देन आपका
साउथ अमेरिका का ईस्टर्न है ब्राज़ील पूरा, देन दिस पार्ट सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, ये सारे पार्ट में आपको ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट जो है देखने को मिलता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसमें थोड़ा सा आपको मैं बेसिक बताया तो कि जो ट्रॉपिकल मानसून है, मानसून आपको मैंने सारा डिटेल में इंडियन मानसून में हमने पढ़ा था, तो उसमें बेसिक चीज़ यही है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज एट ए मच लार्जर स्केल। लैंड ब्रिज सी ब्रिज क्या होती है कि दिन में एक लैंड गर्म हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, तो हवा लैंड की तरफ ब्लो करती है, अपने साथ बारिश भी थोड़ी सी ले जाती है। तो बहुत बड़े स्केल पे हम इसको देखें तो ये मानसून कह देते हैं हम इसको, कि अब गर्मियों के सीजन में इन मई जून आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये इंडियन लैंडमास जो है बहुत गर्म हो जाता है, हवा सारी इस तरफ को अट्रैक्ट होती है और यहाँ बारिश करती है। ये पूरा यहाँ इस एरिया में ये फिनोमेना देखने को मिलता है। सेम चीज़ जो होती है अक्टूबर नवंबर में ये रिवर्स हो जाता है और ये है आपका जो विंड इस डायरेक्शन में ब्लो करती है और ये फिर यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरफ रिफ्लेक्ट होती है और ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे बारिश करती है। तो ये सब यहीं देखने को मिलता है एंड इट इज़ जस्ट अबाउट डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में समर सीजन होता है, दिसंबर में, हमारे इंडिया में ये मई जून में होता है। तो ये सब ये डिफरेंस है, बाकी फिनोमिना बिल्कुल सेम है। उसके बाद अगर आपका जो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट में क्या होता है कि आपकी ट्रेड विंड्स जो होती हैं, आप देखेंगे कि आपकी ट्रेड विंड्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में ब्लो करती हैं, इस डायरेक्शन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, इस डायरेक्शन में तो जो ईस्टर्न एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैं सारे आप देखेंगे ईस्टर्न एंड्स पे हैं। ये आपका ईस्टर्न एंड है, ये आपका ईस्टर्न एंड है, दिस इज योर मतलब ईस्ट, ये ईस्ट है पर ये वाला पार्ट भी इसमें आ जाता है, दिस इज नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट और ये वाला भी आपका ईस्टर्न एंड है। तो यहाँ सब पे ईस्टर्न एंड पे जो है ट्रेड विंड्स के कारण जो है आपकी बारिश जो है गर्मियों के सीजन में, गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा होती है बारिश, बाकी सीजन्स में थोड़ी थोड़ी होती है बारिश, बट गर्मियों में ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि लैंड ज़्यादा गर्म हो जाता है और फिर जो विंड्स हैं इस डायरेक्शन में और स्पीड से और ज़्यादा वाटर कैरिंग कैपेसिटी से इस एरिया में पुल होती है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। तो मेजर अब आपको पता है कि मानसून में भी और ट्रॉपिकल मरीन में भी एक सीजन में गर्मी के सीजन में ज़्यादा बारिश होती है बट उसके बाद थोड़ा सा ड्राई पीरियड आता है। तो जो आपके फॉरेस्ट होंगे वो उसी हिसाब से इट दे आर नॉट ट्रॉपिकल रेनफॉल बट दे आर डेसीडुअस, ये डेसीडुअस फॉरेस्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने पत्ते शेड करते हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, सिर्फ अब इसको हमने इंडिया से उठा करके हमने ग्लोबल लेवल पे देखना है। पैटर्न आपका सेम रहेगा क्योंकि जितनी बारिश होगी जैसा टेम्परेचर होगा आपकी वेजिटेशन जो है उसी हिसाब से डिसाइड होगी। तो टेम्परेचर आपका अलग अलग सीज़न आते हैं इसमें, पहले ड्राई सीज़न आता है गर्मी का, फिर बारिश का सीज़न आता है, फिर रिट्रीटिंग मानसून का, फिर आपका विंटर सीज़न आता है। ये आपके मानसून सीज़न के फीचर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ये देखने को मिलता है बट अपोजिट टाइम पे, जून में यहाँ गर्मी है और दिसंबर में सर्दी है, तो वहाँ पे जून में सर्दी है और दिसंबर में गर्मी है। तो चारों सीज़न आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलते हैं, सॉरी। उसके बाद जो आपका ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट है उसमें वैसे तो ट्रेड विंड्स आपकी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर इस डायरेक्शन में ब्लो करती हैं बट गर्मी में क्योंकि ही लैंड ज़्यादा गर्म हो जाता है तो थोड़ा सा जो मैक्सिमा है इट इज़ टुवर्ड्स द समर, काफ़ी लार्ज परसेंटेज ऑफ जो रेन है वो समर में होती है, बाकी टाइम पे बहुत थोड़ी थोड़ी जो आपकी रेनफॉल होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मानसून का पहले पढ़ लेते हैं क्लाइमेट का, कि मानसून क्लाइमेट कहाँ पर आता है। ये इट इज़ ए लार्ज स्केल लैंड एंड सी ब्रीज एंड इज बेस्ट सीन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको बताया था। द बेसिक कॉज इज डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड, तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड के कारण एयर जो पुल होती है और बारिश करती है। द कंडीशंस आर रिवर्स ड्यूरिंग विंटर एंड विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, ये भी मैंने आपको बताया था। सीजन इन दिस क्लाइमेट इंक्लूड कूल ड्राई सीजन, जो सारे सीजन जो हमने इंडियन मौसम में पड़े थे वो सारे सीजन भी होते हैं इसके अंदर। और रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग फोर समर मंथ वाइल समर इन अकर्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ऑल्सो। जैसे इंडिया में आपने पढ़ा था कि आपको इंडियन मानसून में कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आती हैं थोड़ी सी जो है उससे भी बारिश होती है, बट मेजर जो है चार समर मंथ जो होते हैं
मॉनसून सीजन के उसमें ही मेजर सारी आपको बारिश जो है देखने को मिलती है मॉनसून सीजन के अंदर। तो दीज आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस। फिर आपका था ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट मैंने आपको बताया कि आउटसाइड दीज जोन्स अगर थोड़ा सा हम देखें तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे थोड़ा सा मॉडिफाइड इन्फ्लुएंस होता है और ऑनशोर ट्रेड विंड्स जो है आपकी ऑनशोर ट्रेड विंड एंड सच क्लाइमेट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। तो ऑनशोर ट्रेड विंड्स के कारण जो है थोड़ी सी बारिश वहाँ पे होती है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल हीटिंग बट ड्यू टू द ट्रेड विंड्स। डिफरेंशियल हीटिंग जो है लैंड और सी की उससे वो थोड़ा सा बढ़ जाता है इफेक्ट, इट इज़ इंक्रीज्ड। बट बेसिक कॉज इज कि वहाँ पे वो आपकी ट्रेड विंड्स है। अगर वो हीटिंग नहीं भी बढ़ेगी तो बारिश तो थोड़ी बहुत होती ही रहेगी वहाँ पे कंटिन्यूसली। तो इट इज़ एक्सपीरियंसड इन सेंट्रल अमेरिका नॉर्थ ईस्ट फिनिवे वो सारे एरिया जो मैप में दिखाए गए हैं। तो मैप को आप याद रखिएगा, ये एरिया अपने आपको याद हो जाएंगे मेन। तो दिस इज एक्सपीरियंस अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड्स विच रिसीव स्टडी रेन फ्रॉम ट्रेड विंड्स। जैसे मतलब ट्रेड विंड्स के कारण स्टडी रेन जो है वहाँ पे होती रहती है। दिस रेन इज बोथ ऑरोग्राफिक एज वेल एज कन्वेंशनल, क्योंकि कुछ एरियाज में क्या है जैसे आपका कुछ एरियाज में माउंटेन चेन है तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है, कुछ एरिया पे कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। जैसे गर्मियों में समर सीजन में डिफरेंशियल हीटिंग होती है, हवा आती है, इट राइजेज अप, ऊपर जाके कूल होती है एंड इट स्टार्ट्स टू रेन। तो दोनों तरह की रेन यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, जैसे मैंने बताया कि समर में थोड़ा सा मैक्सिमम होता है क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग होती है बट विदाउट एनी डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन। कोई भी सीजन पूरा ड्राई नहीं होता क्योंकि बारिश तो होनी होनी है, सिर्फ समर उसको सीजन जो है उसको बढ़ा देता है। मैक्सिमम टेम्परेचर इज 82 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड मिनिमम इज 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि ये भी काइंड ऑफ इक्वेटोरियल रीजन के आसपास ही है और इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन में है। तो जो अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन है वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है और ओशियन का जो है यहाँ पे मेजर जो है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है। तो टेम्परेचर रेंज जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। 82 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ मैक्सिमम वाइल 70 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ योर मिनिमम। तो टेम्परेचर रेंज जो है आपकी दैट इज़ जस्ट 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक चीज़ आपको जरूर देखने को मिलेगी, जी सी लियोंग में जो हम जनरली पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस और सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल में, जी सी लियोंग में आपको फ़ारेनहाइट एंड इंचज में आपको जो है डेटा दिया हुआ है। तो आपको इसको थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा को एंड उसको पढ़ने के, नहीं तो वैसे सिर्फ चीज़ें पढ़ने की डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी इतना टेम्परेचर होता है या इतनी बारिश होती है, सिर्फ कि हाई रेनफॉल लेस रेनफॉल ऐसे आपको सिर्फ मेन बेसिक्स आपको याद करने हैं इसके। तो दिस इज़ द ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। अब आपके दो तरह के क्लाइमेट टाइप्स जो है वो हो गए इक्वेटोरियल क्लाइमेट और फिर ट्रॉपिकल मानसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। ये दो तरह के क्लाइमेट टाइप आपके कवर हो गए। इनको दोनों को ढंग से एक बार बुक में पढ़िएगा, पूरा चैप्टर पढ़िएगा और दो चैप्टर ही आज पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये सारा जो है समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। कल हम पढ़ेंगे इसमें, एक बार वो देख लेते हैं अपना फिगर ये वाली। फिर कल हम पढ़ेंगे इसमें हॉट डेजर्ट, इसको सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, डेजर्ट वेजिटेशन विच इज़ फाउंड इन आपका ट्रॉपिकल रीजन में होता है ऑन द वेस्टर्न एंड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट ये। और एक या दो और क्लाइमेट टाइप हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कि आपका कॉम्बिनेशन जो है आपको कन्फ्यूजिंग ना लगे। और इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन ए प्रॉपर सीक्वेंस उसके बाद हम चाइना टाइप भी पढ़ सकते हैं, स्टेपी टाइप, मेडिटेरियन टाइप। अगर आप कमेंट्स में चाहें तो हम आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में भी जैसे बुक में दी हुई है वैसे भी आपको इसको पढ़ा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक डिमांड देन प्लीज़ राइट टू अस और एल्स वील कंटिन्यू एज पर वट वी थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर यू। सो दिस इज द एंड फॉर टूडेज लेक्चर। If you have any doubts, any queries, please feel free to write to us. We'll surely help you out. Thank you so much.